हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम यहाँ पर एमपीपीसीएस के प्रीलिम्स की इसकी एमपीपीसीएस के जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसकी हम बात करेंगे। अच्छा, आप लोग पता होगा मैं यहाँ पर 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं पेपरों में, हम ये ईयरली बात करेंगे। कैसा ईयरली बात करेंगे, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं 2015 के एमपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, इतिहास कला और संस्कृति के 2015 में कैसा पैटर्न रहा था, कैसे क्वेश्चन आए थे, हम इसकी आज हम बात करेंगे। तो एक एक करके चीजों को, हर प्रश्न को देख लेंगे विद व्याख्या के एक्सप्लेन के साथ, जिससे कि आपका एग्जाम के लिए भी, जो आने वाले एग्जाम बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम इनको देख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ऐप है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप इसको भी डाउनलोड करके भी पीडीएफ और वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, संस्कारों की, कौन सी संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। जो संस्कार होते थे, याद रखिएगा, जो क्या होते थे, संस्कार होते थे, उस संस्कारों की संख्या की बात कर रहा है कितनी है। तो यहाँ पर जो संख्या है वो 16 संस्कार होते हैं। कितना? 16 संस्कार होते हैं। और ये क्वेश्चन 2015 में पीटी में आया हुआ था। समझते हैं, महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र जो 16 संस्कार हैं वो संपन्न किए जाते हैं। याद रखिए, कितने? 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। 16 संस्कारों का जो वर्णन है वो स्मृति ग्रंथों में मिलता है। 16 संस्कार कौन से हैं, किस प्रकार है? गर्भाधान, पुष्पवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निश्चकर्म। फिर है अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण छेदन, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। उसके बाद केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये जो 16 संस्कार हैं प्रमुख हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। महर्षि वेदव्यास के अनुसार जन्म से लेकर, बर्थ से लेकर और डेथ तक, याद रखिएगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त गुप्त, हर्षवर्धन। आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अशोक के लिए बोला गया था कि अशोक को अभिलेखों में प्रियदर्शी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये, तो है ना, प्रियदर्शी या फिर देव नाम प्रिय भी कहा गया है। क्या कहा गया है? देव नाम प्रिय भी कहा गया है। याद रखेगा, अशोक कौन था? अशोक मौर्य काल का था, याद रखेगा, मौर्य वंश था। ठीक है, अशोक प्राचीन भारत में मौर्य वंश का राजा था। अशोक प्राचीन भारत में मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था, और बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था, याद रखिएगा, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। कहा जाता है जिसका पिता एक महान सम्राट था और जिसका पुत्र महान सम्राट था, उसका कौन था? तो वह बिंदुसार ही था। ठीक है, अशोक को देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी इत्यादि नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट थे, इन्होंने गो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल भी हुए थे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मौर्य वंश के बारे में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? अब जो इंडिका है, यार रखिए, कौन सी है? जो इंडिका है, उस इंडिका का लेखक कौन था? प्लूटार, जस्टिन, हेरोडोटस या मेगास्थनीस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीस था। कौन था? मेगास्थनीस था, जो कि इंडिका का लेखक था। यार रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक में निर्याकस, ऑनेसिटिकस, एरिस्टोबुलस तथा मैगनेस्थीस थे, जिसने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिनके विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के विषय में सूचनाएं देते हैं। इन विदेशी लेखकों में मेगास्थनीस का जो नाम है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक इंडिका है जो मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त के कह सकते हैं प्रधान थे, कौन थे? कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, प्रमुख व्यक्ति रहे कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में जितनी जानकारी मिलती है, क्या रखेगा, कौटिल्य के बारे में जितनी जानकारी मिलती है उतनी जानकारी इंडिका पुस्तक से भी मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको ये चीज नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहीनामा का लेखक कौन था? ये सारे क्वेश्चन कब आए हैं? 2015 में आए हैं। याद रखिएगा, 2015 में एमपीपीसीएस में आ चुके हैं, पीटी में। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, आप लोगों को ये तो पता ही होगा, है ना। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट होते हैं। शाहीनामा का लेखक कौन था? उत्वी, फिरदोसी, अलबरूनी या बरनी। शाहीनामा का लेखक फिरदोसी था। कौन था? फिरदोसी था। थोड़ा सा जान लेते हैं, शाहीनामा एक फारसी भाषा का महाग्रंथ है, इसका लेखक फिरदोसी है।
इस ग्रंथ में ईरान पर अरबी फतह सन 1636 पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक था। तो अलबरूनी के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। गुरु नानक के अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, एमपी पीसीएस के साथ साथ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपी पीएससी में भी आ चुका है, पीटी में ही आ चुका है ना। गुरु नानक का अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हर राय, गुरु अंगद। तो आपका सही आंसर है गुरु अंगद को। किसको? गुरु अंगद को। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया हुआ था। गुरु नानक ने गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। अगर कभी आए कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे, याद रखिएगा। जबकि गुरु हर राय सिखों के सातवें गुरु थे और गुरु अमरदास की बात की जाए तो एक सिख पंथ के महान प्रचारक रहे हैं, याद रखिएगा। अगर हम सिख धर्म के पहले 10 गुरुओं के नाम को जाने तो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमर, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। आप मुझे ये बताइएगा इसमें से जहांगीर ने किसको मृत्यु दिया था, जहांगीर ने इनमें से किसको मृत्यु दी थी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खुसरो के किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जो खुसरो था, यार के कौन था, जो खुसरो था, पूछा जा रहा है किस मुगल बादशाह का पुत्र था? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का या फिर बहादुर शाह प्रथम का? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर का। किसका? जहांगीर का खुसरो पुत्र था। इसके बारे में जान लेते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, उसके बाद जहांगीर शासक बना था। सर्वप्रथम जहांगीर के पुत्र खुसरो ने स्वयं को शासक घोषित किया, परंतु जहांगीर के द्वारा उसे मरवा दिया गया था, याद रखिएगा, अपने पुत्र को मरवा दिया था, है ना। शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 तक मुगल सम्राट रहा है। तो शाहजहां का नाम तो आप लोग वैसे ही जानते हो, है ना, क्यों जानते हो, ताजमहल की याद में जाना जाता है। शाहजहां ने ही ताजमहल बनाया था, किसकी याद में, अपनी प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो की याद में, ठीक है, जिसको हम मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं, मुमताज ताजमहल के नाम से भी। शाहजहां ने ही दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद का स्थापना की थी और आगरा के स्थान पर इसे अपनी राजधानी बनाया हुआ था। तो जब आगरा से राजधानी जब दिल्ली लाई गई थी तो किसके काल में लाई गई थी, ये लाई गई थी शाहजहां के काल में, जिन्होंने शाहजहानाबाद की स्थापना की हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक किया होगा, शेयर किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा नट लर्निंग ऐप जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लिया होगा। आप लोगों का पता होगा कि हम 2011 से लेके 2023 तक की प्रीवियस ईयर की सारी वीडियो लाएंगे, डेली एक वीडियो आएगी हमारी, तो हर सब्जेक्ट की आएगी, अलग अलग सब्जेक्ट की आएगी। जैसे हिस्ट्री की आई है, किसकी, इतिहास की अभी हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हम एमपी की लाएंगे, कल हमारी वीडियो एमपी की आएगी तो एमपी देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम पॉलिटी की लाएंगे, तो इस तरीके से फिर ज्योग्राफी की लाएंगे, तो अलग अलग वीडियो हर दिन लाएंगे। अभी एग्जाम में आपके में टाइम है, 23 जून को एग्जाम है, तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन बात करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट की बात किया 1773, 1757, 1764, 1773। 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कब किया गया था? 1773 में। इसके बारे में मुख्य तथ्य जान लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में ब्रिटिश संसद ने पास किया था। 1774 में इसे लागू कर दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसकी जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। ये पुरुष नहीं बल्कि एक मेल थे, याद रखिएगा, पुरुष थे, ठीक है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी जो गतिविधियां हो रही थी उसको ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना, इसका प्रमुख उद्देश्य था, इंपोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त कंपनी की जो संचालन समिति थी उसे अमूलचूल परिवर्तन करना भी था। कंपनी के जो राजनीतिक अस्तित्व था उसको स्वीकार कर तो व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों में संचालन को योग्य बनाना उसका प्रमुख उद्देश्य था। इतनी सारी ये बातें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत थी। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कुछ कमियां देखी गई, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी लाया गया था। अब पूरी बातें इसमें ही नहीं कर सकते, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं और हम इसको देख रहे हैं किस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इतनी ही बातें कर सकते हैं। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की थी? सती प्रथा कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कैसे, क्योंकि अकबर ने भी सती प्रथा को समाप्त किया था, लेकिन ब्रिटिश काल में
विलियम बेंटिंग ने किस वर्ष समाप्त किया था? तो ये किया था 1829 में, याद रखिए कब किया था, 1829 में किया था। आपको ये भी याद रखना है एडी आए, है ना, बीसी आए तो उसको क्लोज करना है, एडी आना चाहिए, है ना, ईस्वी में 1829 में विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा समाप्त घोषित की गई थी। 1829 में सती प्रथा समाप्त की गई लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, और 4 दिसंबर 1829 को बंगाल में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित भी कर दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसको हम रंगीला, क्या नाम से, रंगीला बाबू के नाम से जानते हैं? फरुखसियत, रफीउद्दरजात, मोहम्मद शाह या रफीउद्दौला? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर मोहम्मद शाह को, किसको, मोहम्मद शाह को, क्या रखिएगा, मोहम्मद शाह को हम यहाँ पर रंगीला के नाम से जानते हैं। ये इतना रंगीला था कि कुछ कहा नहीं जा सकते और अपने आप में ये फेमस हो गया रंगीला नाम से। रफीउद्दरजात की मृत्यु के पश्चात ही मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं की मदद से मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। मोहम्मद शाह ने लंबे समय 1719 से लेकर 1748 तक मुगल साम्राज्य का शासन संभाला था। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था, अपना अधिकांश समय पशुओं की लड़ाई देखने में और वैश्याओं और मदरा के बीच गुजारता रहता था। मतलब इतना योग अयोग्य था ये, और इसको रंगीला क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसको स्त्री और पुरुष की, याद रखिएगा, स्त्री और पुरुष की इसे नग्न संगत पसंद थी, कैसी, नग्न संगत होती जो पसंद थी, तो इसलिए इसको रंगीला नाम से जानता जाता था। वैश्याओं और मदरा में डूबा रहता था, ठीक है, इसी कारण इसे रंगीला के उपनाम से जाना जाता है, मोहम्मद शाह को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है दोबारा फिर से आ जाए, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? जो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र था, कौन सा, जो चार्ल्स वुड था उसका आदेश पत्र किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, प्रशासनिक सुधार से या सैन्य सुधार से? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित था, याद रखिएगा, किससे, एजुकेशन से संबंधित था चार्ल्स वुड, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को जारी किया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा का व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। 100 अनुच्छेद 100 आर्टिकल्स वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैंने आपसे क्या कहा था, मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है ना। तो आज ये समाप्त होती है 2015 के हमने एमपीपीसीएस के, याद देखिए एमपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इसमें मैंने बात की है हिस्ट्री के, इतिहास के, अब हम बात करेंगे एमपी के, उसके बाद करेंगे पॉलिटी के। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर कीजिए, साथ में नट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, वीडियो पर लगा बहुत बहुत धन्यवाद।